व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। था भाई आज हम खेलने जा रहे हैं रेजिडेंट ईवल 6। और भाई मुझे गेम का इंट्रो देने की शायद जरूरत नहीं, क्योंकि भाई रेजिडेंट ईवल 1 से लेकर रेजिडेंट ईवल विलेजर तक भाई तुम जानती हो सारे पार्ट्स उसके ओपी भाई। तो बिना टाइम वेस्ट कर चलो जल्दी से यार गेम पर आते हैं। तो भाई लोग यार गेम अपना शुरू हो चुका है। ग्राफिक्स की बात करूँ तो तुम देख ही सकते हो भाई किस प्रकार के ग्राफिक्स हैं। हाँ भाई, अगर तुम रील्स देखने के लिए अपना नेट बचा रहे हो और इस वीडियो को यार 240 या 144p पे देख रहे हो तो भाई तुम्हें सन 47 की पिक्चर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। इन सारी बातों को साइड में रखते हो गेम की तरफ आगे बढ़ते हो। और भाई ये दोनों बुरी तरीके से गिर चुके हो भाई साहब। मुझे नहीं लगता सलीना उठने के चक्कर में लग रही है। तो भाई ये कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी हूँ, मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है आगे चलने की, और तुम यहाँ से चले जाओ मुझे छोड़ के। पर भाई बंदा हिम्मत वाला लग रहा है। एक सेकंड सुनने देना क्या कह रहा है भाई ये। तो भाई इसने ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे संग चलना ही होगा। तो भाई अब ये शायद इसे कंधे पर लिटाएगा। एक सेकंड। तो भाई साहब बंदे में भाई 100 मर्दों के बराबर ताकत तो इस मर्द में ही है भाई। इस जैसा जेंटलमैन भाई सबको होना चाहिए यार। तो चलो अब आगे चल के देखते भाई। आगे का तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। वैसे मुझे सब बंद पड़ा है। ये गेट है, ये गेट पर भी मेरे हिसाब से लकड़ी शायद बंद पड़ा है। स्पेस दबा के हटेगा शायद। एक सेकेंड गाइस, लॉक पड़ा है दरवाज़ा यार। तो हमें कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी शायद पहले यहाँ पर। और वो डंडा रखा तो है, इससे काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। चलो देखते इससे काम बनता है कि नहीं बनता है। और भाई ये उठाया भाई इसमें। आ भाई साहब, मतलब हिम्मत देख रहे हो यार तुम बंदे की। मतलब पूरा घायल है तब भी देखो गेट तोड़ने की औकात रखता है ये। लकड़ी टोल दी भाई, कितनी मोटी 8 mm की कम से कम लकड़ी होगी, पता तोड़ डाली इसने यार। मतलब तोड़ी तो हमने ही है यार। चलो कोई नहीं, तुम आगे बढ़ो गेम की तरफ यार। सीरियस तुम बहुत ज़्यादा ले लेते हो, पर भाई बंदे को तुम देख ही सकते हो क्या बंदा है। और भाई यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आराम से रहना पड़ेगा। और भाई ये कौन है? अरे भाई यही दोनों है। मैं भाई साहब गेट खुला ना 3D मोड में, एकदम गेट खुला भाई साहब, मैं डर गया कि कौन आ गया सामने से। और देखो यहाँ पे मैं शायद कोई है। और भाई साहब शहर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये कौन बैठा हुआ है? मेरे हिसाब से ये भी ज़ॉम्बी बन गया, पर ये मर चुका है। इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसकी गन हम बीच में ही ले लेंगे, अगर गन ले सकते, क्योंकि हमारे पास शायद कोई वेपन नहीं है। और पता नहीं इस पर पड़े हो भाई साहब, ज़मीन देख रहे हो तुम, पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई है। स्पेस दबा के देखो भाई, ये बंदा पड़ा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा कर्री लड़ाई हुई है भाई साहब, सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए। तुम पूछो मत क्या सीन है बाहर का, पर मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बस इतना पता है मुझे सारे लोग बाहर के ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। और ये दोनों बचे हुए हैं अभी इस वक्त। एक शहर में पता नहीं कहाँ ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ था, एक जना ज़ॉम्बीज़ बन गया था किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से। और पता नहीं यहाँ की स्टोरी ये लोग बताएंगे क्या है। तो ये इन दोनों ने डिसाइड करा है कि यहाँ पर अब थोड़ा ब्रेक लेंगे। तो यार यहाँ पे हमें कुछ खाने पीने का आइटम देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इन दोनों को बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार ये। तो आगे चल के देखते हैं क्या सीन होता है। इस बंदे के पास बंदूक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई ये लोग हमसे कह रहे कि कोई फर्स्ट एड किट ढूंढनी पड़ेगी। चलो ढूंढते, इस बस के अंदर ही होगी वैसे तो। अच्छा भाई, बड़ी काम की बात कही तूने तो यार। अरे ये देखो, ये हर्ब्स हमारे पास थोड़ी पड़ी हुई हैं, इसे ही देखते हैं भाई। ये इसी ढूंढने की कह रहे थे शायद ये गेम वाले, तो इसे निकाल के ऐसा होगा। हाँ ये हब सी बढ़िया ग्रीन, तो इसके साथ ये मेडिसिन बना लेगा और उसे पिला देगा और ख़ुद भी पी लेगा, क्योंकि भाई दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। देखो भाई किसी का फ़ोन आया। एक सेकंड, कौन है ये? अच्छा ये फ़ोन आया है गाइस। तो ये पूछ रहा है कि भाई, पूछ रही है मतलब जो भी है, कि सलीना कैसी है। तो इसलिए कह रहा है कि भाई सलीना अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तुम देख ही सकते हो सलीना की सबसे ज़्यादा बुरी हालत है भाई। और भाई वो बहुत ही हिम्मत का काम कर रही है इस समय। अब पहले जल्दी से हब्स तैयार करते हैं हम इसमें से। तो स्पेस दबा के ऐसा हब्स तैयार होगी। तो चलो हब्स तैयार हो चुकी है, अब जल्दी से इसे पिला देते हैं। 1-2 हब्स पिलाएंगे। तो चलो जल्दी से हब्स पिलाते हैं यार इसे, और निकलते हैं भाई जितना जल्दी हो सके यहाँ से, निकलना चाहिए हमें। एक सेकंड। तो भाई ये कह रहा है हमारे बहुत सारे एजेंट्स मारे गए हैं और इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। और भाई ये कौन है? वो गाइस ये कौन आ गया यार? ये चिमकांडी से मुँह का है कौन? ये ज़ॉम्बी लग रहा है मुझे गाइस कोई। ये ज़ॉम्बी है दोनों की सब बहुत बुरी फाइट होगी मेरे हिसाब से भाई। इसके पास तो बंदूक है, क्योंकि ज़ॉम्बीज तो बंदूक से मरते और नहीं है यार भाई। सीन बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुका। ओ भाई डरावना, देखो क्या डरावना चेहरा है इसका। कुछ हो ही नहीं रहा भाई इसे तो। भाई मुँह पर चढ़ गया ये तो। अबे रुको 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 भाई, ऐसे कैसे? अबे हट यार, ऐसा लग रहा है कितने कुत्तों ने मूत दिया भाई इसके चेहरे पे। देखना क्या चेहरा लग रहा है गाइस इसका। अबे हट यहाँ से, चल 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 चल, बिल्कुल हट यहाँ से। अबे हट जा,
और भाई साहब ये क्या मारा भाई साहब, क्या लग रहा है भाई? भाई ये कौन है भाई? ये शक्ल देख रहे हो यार इसकी? भाई साहब भाई मैं तो एक बार को डर गया था इसकी शक्ल देखकर। भाई साहब क्या शक्ल थी। अब इसको जल्दी से एक काम करें, ये कह रहा है कि भाई जल्दी से इसे पिलाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसे यही पिलाते हैं यार, इसके बिना काम नहीं पड़ेगा। पर इसे पिलाना कैसे? शायद एक गन से डालते हैं, इसे ट्राई करते हैं। नहीं नहीं गन से नहीं डलेगा, ये गन से नहीं डलेगा, पास जाके पिलाना पड़ेगा। तो चलो इसे पिलाते हैं भाई। तो भाई अब इसे पिलाने बैठ तो गया, अभी पीती है कि नहीं पता नहीं क्या है, पीनी तो चाहिए भाई। अकड़ दिखाएगी तो नहीं, वैसे मेरे हिसाब से अच्छी लड़की लग रही है वैसे तो यार। थैंक यू बोलिए भाई, हमें थैंक यू बोलिए। तो भाई ये फ़ोन आया, ये कह रही यहाँ से जल्दी से निकलो, क्योंकि भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई ज़्यादा इधर रुकना भाई सही नहीं है, यहाँ पे रुकना ज़्यादा देर सही नहीं है। ये क्या चीज़ है? हाँ ये सही है भाई, क्योंकि एमओ हमारे पास ख़त्म होगी और आगे भी जेम्बीज बहुत सारे आ सकते हैं मतलब, तो यार हमें मारने के लिए कुछ एमओ तो हमें चाहिए होगी। तो चलो आगे देखते क्या सीन है। तो ये हमें आगे जाने को कह रहे हैं, अब देखते हैं क्या सीन होता है। इस गेट को पहले खोलते हैं फिर देखते हैं। भाई आराम से खोलना पड़ेगा, एकदम सारे गेट आराम से खोलने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी जॉम्बीज यार हम पे अटैक कर सकते हैं। और भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक करो, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना भाई। कॉन्टेंट पसंद आए मेरा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि भाई कॉन्टेंट अच्छा लगा है तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं भाई। और भाई ये बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है इन लोगों ने, एक गाइड दे रखा है मतलब एक आयरिस की तरह। तुम्हें जानते हो क्या, एजन एली को जानते हो मतलब, शो देखा है तो तुम्हें पता ही होगा आयरिस किस तरीके से काम करता है। तो भाई ये एकदम आयरिस की तरह काम कर रहा है कि मतलब पूरा रास्ता दिखाता है ये। भाई ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि पूरे गेम में ओ भाई लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या है यार भाई, इसके बाहर क्या चल रहा है अभी हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें सबसे पहले इधर से बाहर निकलना होगा भाई। दरवाजे पे दरवाजे आए जा रहे हैं, पता नहीं इतने सारे दरवाजे क्यों दे रखे, पता नहीं कितना बड़ा तहखाना है यार ये, थक गए भाई हम तो खोल खोल के भाई ये। एक सेकंड भाई यहाँ पे आवाज़ आ रही है बहुत तेज, और भाई ये क्या चीज़ है भाई साहब, पूरा शहर उड़ा पड़ा है भाई, अब क्या करना है यार। आज का एपिसोड यार यहीं पे हम समाप्त करते हैं भाई। मुझे इतना पता है भाई, मैंने मतलब ये गेम बिल्कुल खेला नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगले एपिसोड में भाई धुएं मचने वाले हैं। और भाई जिसको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना अगर उन्हें ऐसी वीडियो पसंद है। तो यार हम मिलते हैं यार इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।